तो GTA 5 एक ऐसा पॉपुलर गेम है जो कि हर किसी को खेलना है, चाहे वो टीनेजर हो या 20-22 साल का बड़ा आदमी हो, सबको यहाँ पे GTA 5 खेलना है, चाहे उसके पास कितना भी भंगार सिस्टम हो या PC हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं GTA 5 की सिंपल सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे कम से कम i3 चाहिए होगा, अगर उससे नीचा होगा ड्यूल कोर होगा तो भी चल जाएगा। और अगर हम लोग बात करें रैम की तो 6 GB के ऊपर की रैम चाहिए होगी। यहाँ पे मैंने i3 सेकंड जनरेशन लिया है बेंचमार्क्स के लिए और रैम लिया पे 10 GB की रैम। अगर रैम आपके पास 6 GB है तो भी वही परफॉर्मेंस मिलने वाला है। और अगर हम लोग बात करें ग्राफिक्स कार्ड जो कि सबसे ज़्यादा मेन यहाँ पे रहने वाला है, तो हमारे पास यहाँ पे GT710 DDR5 वाला वेरियंट है। आप 3 वाला भी ले सकते हो, थोड़ा सा सस्ता आ जाए, 500-600 रुपये सस्ता है, तो आप उसमें पैसे बचा के वो वाला भी आप ले सकते हो। अगर हम लोग बात करें फ्रेम रेट की, कुछ थोड़ा भी फर्क नहीं है दोनों ग्राफिक्स कार्ड में, बस थोड़ा बहुत डिज़ाइन का फर्क रहता है। तो अगर हम लोग बात कर ले जल्दी से बेंचमार्क्स की, तो बेंचमार्क आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो यहाँ पे है हमारे पास हमारा सबका दोस्त फ्रैंकलिन। तो यहाँ पे मैं जल्दी से यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैसे फ्रेम रेट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने गाड़ी एक फोड़ दी है, तो आप जल्दी से गेम प्ले एंजॉय कर लो।